दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में लाइफ स्पैन ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सोमवार को संपन्न हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने बताया कि आज भारत के नीति नियंताओं के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा कि हमारी शिक्षा हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। किशोरों की शिक्षा सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ कोई नीति नहीं है। पारंपरिक शिक्षा व नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा परिवार द्वारा दी जाती थी वह नहीं मिलने से पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। हम केवल यूरोप व अमेरिका के आर्थिक व भौतिक चकाचौंध का अंधानुकरण कर रहे हैं, अपनी जड़ों व मूल्यों से कटते जा रहे हैं। सामाजिक सरोकार के पुराने मानकों को तकनीकी विकास के आधार पर परिभाषित किया जा रहा है, जिसे मनोवैज्ञानिकों को समझना होगा। तकनीकी विकास के चरमोत्कर्ष से सांस्कृतिक विरासत को कैसे बचाया जाए, यह आज का बड़ा नैतिक प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है, उसमें हर वक्त सुधार की गुंजाइश रहती है। व्यक्ति के अनुभव से विचार, विचार से व्यवहार व व्यवहार से समाज का निर्माण होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने कहा, प्रोफेसर सुषमा पांडे, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान। यह सेमिनार हमारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में हम लोग आयोजित किए हुए हैं। 15 तारीख का कार्यक्रम की चर्चा ऑलरेडी आपसे हो चुकी है। 16 तारीख अर्थात आज सुबह 10 बजे से तीसरा साइंटिफिक सेशन शुरू हो चुका है और इस साइंटिफिक सेशन में कुल 12 रिसर्च पेपर्स पढ़े गए हैं। इसके पश्चात अभी हमारे 3 साइंटिफिक सेशंस और चलेंगे, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए प्रतिभागीगण अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात 3 बजे से वैलिडिक्ट्री सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी होंगे, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के, एवं उसकी अध्यक्षता प्रति कुलपति करेंगे, एवं विशिष्ट अतिथि डीन आर्ट्स होंगे। और यह कार्यक्रम जहाँ तक संभावना है कि शाम के 4:30 या 5 बजे तक संपादित होगा। इस प्रकार इस पूरे सेमिनार में स्मृत व्याख्यान एवं उद्बोधन के अलावे कुल 60 रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत हो रहे हैं और ये रिसर्च पेपर्स कुल 9 स्टेट्स से आए एवं जो स्थानीय जो प्रतिभागी हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मैम, हाँ, इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य 2 है। पहला तो ये है कि हम
अपने विषय को जो जीवन कालिक विकास की बात की जाती है, यह मनोविज्ञान की एक मुख्य धारा है। और न केवल मनोविज्ञान की बल्कि इसमें अनेक विषय समाहित हैं। तो विभिन्न चरणों में होने वाले जो विकास हैं, जिसकी शुरुआत गर्भाधान से होती है और जीवन के अंत तक चलता रहता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहारों में होने वाले विकास, सांवेगिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, तो विभिन्न चरणों में उनका स्वरूप क्या होता है, क्या चीज़ों कैसे वह क्या चीज़ें हैं जो परिवर्तन लाती हैं, परिवर्तन के बावजूद वह कौन सी चीज़ है जो स्थिर बनी रहती है, हर चरण में क्या नया होता है, किसका ह्रास होता है, तथा विकास संबंधी अनेक समस्याएं, भांति भांति की जो समस्याएं हैं, जिसको हम जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, डिसलेक्सिया है, चाइल्ड अब्यूज है, स्कूल बुलिंग की बात हो रही है, क्रॉनिक इलनेस की बात हो रही है, तो हर एज ग्रुप में ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कुछ समस्याएं बच्चों बाल्यावस्था तक सीमित हैं, कुछ समस्याएं किशोरावस्था में हैं, अडल्ट्स में हैं, अडल्टहुड में हैं, मिडिल अडल्टहुड में हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो उन पर एक सम्यक विचार इसके माध्यम से उभर करके आएगा। इसके अलावे विकास के जो नई सैद्धांतिक पद्धति क्या विकसित हुई है, नई मेथोडोलॉजी क्या विकसित होनी चाहिए ताकि हम और विस्तृत ढंग से विकास के स्वरूप को समझ सकें, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा हुई है, होगी आगे, और उसके आधार पर जो बात उभर करके आएगी, जो तथ्य उभर करके आएंगे इस विचार विमर्श से, वह इस विषय को, विकास के संदर्भ में ज्ञान को और भी परिपक्व बनाएंगे। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो नए छात्र हैं, नए जो शोधार्थी हैं, उनको भी एक तरह से हम लोग प्रशिक्षित करते हैं कि वो किस तरीके से नए ढंग से शोध के बारे में सोचें, शोध कार्य जो कर रहे हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कैसे वो फेस करेंगे, कैसे वो नई चुनौतियों को समझेंगे, तो यह भी एक माध्यम है जिसके द्वारा यह उनको सिखाया जा रहा है।